जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक त्यागी है और मैं डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ यूपी के अंदर मेरे हेडक्वार्टर पे। तो मैं आज आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा चेंज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो क्या रहता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर यूपी और उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में बासमती धान की जो वरायटी है 1509, 1121 और PB01 का बड़े स्केल में बड़े लार्ज एरिया पर कल्टीवेशन किया जाता है। और इसमें जो किसानों को सबसे बड़ी समस्या फेस होती है, सामने उनके जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है बकानी रोग की समस्या। तो बकानी रोग की समस्या में क्या रहता है, उसके सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि प्लांट की रोपाई करने के बाद 15 दिन के अंतराल पे धान की पौधे की जो साइड की लीव्स रहती है वो अनिश्चित तौर पर वृद्धि करने लगती है और बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और मदर शूट जो है वो नीचे रह जाता है। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर पौधा का पूरा पौधा सूखने लगता है। तो इस बीमारी का जो समय है वो 15 दिन के धान से लेके और 45 दिन की जब धान की अवस्था होती है उसके बीच में, यानी 30 दिन का समय इस बीमारी का रहता है और वही समय में धान के फुटाव करने का होता है। तो जिस खेत में बीमारी आ जाती है उसमें किसानों को इस बीमारी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके कंट्रोल के लिए विभिन्न तरह के रासायनिक जो फंगीसाइड है उनको इस्तेमाल करने से भी पूर्णतः कंट्रोल नहीं जाता। कभी कभी डबल डोज पे उनको डालने के बाद भी ये बीमारी केवल 10 से 12 दिन तक कंट्रोल रह सकती है, जिससे किसानों को एक तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको दो दो बार इसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है फंगीसाइड का। तो इस कंडीशन पे जियोलाइफ कंपनी का जो चेंज प्रोडक्ट है हम उसको रिकमेंड करते हैं 250 ग्राम पर एकड़ की डोज पे। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज कराने के लिए एक कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम शर्तें हैं कि इसको सबसे पहले तो आपको जब जिस खेत में बीमारी आई होती है उसमें के 250 ग्राम चेंज को बालू या रेत के साथ कोट करके डलवाना होता है और उस समय यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं कराना है। प्रोडक्ट इस्तेमाल कराते समय खेत के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी होना आवश्यक है और उस पानी को उसी खेत में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद भी 3 से 4 दिन का गैप दिया जाता है अगली सिंचाई के लिए। तो 4 दिन तक अगली कोई सिंचाई नहीं करनी है, खेत को हवा धूप लगने देना है मिट्टी को, तब जाके बीमारी कंट्रोल होती है। और चेंज इसका रामबाण इलाज है, केवल 2 से 3 दिन के अंदर बीमारी को वहीं का वहीं चेंज रोक देता है। अकेला एक प्रोडक्ट है जो बीमारी को 2 से 3 दिन में वहीं का वहीं पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और बाद में 25 दिन तक, यानी पूरा उसका जो टाइम सर्कल है, इतने समय तक वापिस खेत में रिपीट बीमारी नहीं आती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसको हम बड़े स्केल पे यहाँ पे बड़े क्वांटिटी के साथ सेल करते हैं और बकानी रोग के लिए हमने इसको एक ब्रांड के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया में बनाया हुआ है। धन्यवाद।